हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेट शाला। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्वेरियम वैक्यूम क्लीनर बनाना कैसे बनाते हैं, इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी इसे कैसे बनाते हैं। इसमें लगने वाली चीज़ें बहुत ही ईजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपके घर में ही आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है आपके पास तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। 50 रुपीज़ से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपके ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट होंगे। ये बहुत ही चीप एंड इफ़ेक्टिव DIY प्रोजेक्ट है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता और आप बहुत ही ईजीली इसे बना सकते हैं। इसे बनाने का ये फ़ायदा है कि आपके टैंक का जो वाटर चेंजेस करने का तरीका है वो बदल जाएगा। ये क्यों मैं आपको समझाता हूँ। आप जब भी ग्रेवल क्लीन करते हो या फिर आपका सैंड क्लीन करते हो तब आप वाटर चेंजेस करते होगे, तो आपका एक टारगेट होगा। आप 20%, 30%, 25% आपके हिसाब से जितना भी हो आप करते होंगे। जब भी आप सैंड या ग्रेवल क्लीन करते होगे तभी वो जो परसेंट जो होता है पानी चेंज करने का वो ज़्यादा हो जाता है। अब अगर आप 25% फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 25% पानी चेंज करना चाहते हो, लेकिन जब भी आप सैंड या ग्रेवल का साइफन करते हो उस टाइम आपका ध्यान नहीं रहता है और 25% से ज़्यादा आप पानी चेंज कर देते हो। इससे होता क्या है कि आपकी जो क्लीनिंग की प्रोसेस होती है वो पूरी बिगड़ जाती है। सैंड या ग्रेवल क्लीन करते टाइम हमारा ध्यान नहीं रहता है कि हम ज़्यादा पानी उसमें से ड्रेन आउट कर देते हैं, जो कि आपके टैंक और सेटअप के लिए और आपके फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में मैं आपको ऐसा वैक्यूम क्लीनर बना के दिखाऊंगा जो आपका पानी भी वेस्ट नहीं करेगा। आपको इसका ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि मैं कितना पानी चेंज कर रहा हूँ। मेरा अगर पानी चेंज कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि मुझे 25% करना है। कभी कभी हम इसका ध्यान रखते हुए जब ग्रेवल क्लीन करते हैं तब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा पूरा टैंक उसमें क्लीन नहीं होता है, हमारा ग्रेवल उसमें पूरा क्लीन नहीं होता है, तो हमें आधे में ही काम छोड़ना पड़ता है या फिर हम कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा वाटर चेंज कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको ये जब आप वैक्यूम क्लीनर बनाओगे, ये जो ग्रेवल क्लीनर बनाओगे, तब ये आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इस क्लीनर से, इस ग्रेवल क्लीनर से या सैंड क्लीनर से आपका पानी जो है वो अंदर के अंदर ही रोटेट होगा और पूरा क्लीन होता रहेगा आपका सैंड या ग्रेवल। तो चलिए देखते हैं इसकी बनाने की प्रोसेस। एक्वेरियम वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। उसमें से सबसे पहला है ये पावर हेड। आप इनटैंक फिल्टर का भी हेड यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। एक कटर या सीजर, PVC पाइप का एक छोटा टुकड़ा, फिल्टर का फिल्टर मीडिया होल्डर, या इसके जगह पे आप किसी भी तरह का कंटेनर या बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें आपको होल करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिकल टेप या फिर प्लम्बिंग टेप भी यूज़ कर सकते हैं और एक प्लास्टिक बॉटल। आप चाहे तो इसमें एक वायर एक्सटेंशन लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैंने एक बटन यूज़ किया है इसमें ऑन ऑफ करने के लिए। एक फीमेल पिन यूज़ की है और एक मेल पिन जो आपके प्लग में लगेगी। ये फीमेल पिन आपके फिल्टर के वायर में लगेगी कुछ इस तरह से। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे बना लें या फिर आप आपके रेगुलर फिल्टर की वायर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आपके पावर हेड पे जहाँ से ये पानी फेंकता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेप या प्लम्बिंग टेप लगा लेना है ताकि इसकी मोटाई बढ़ सके और ये इसमें आसानी से फिट हो सके इस तरह से। इस फिल्टर मीडिया में आपको किसी भी तरह का फिल्टर मीडिया ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें स्पंज या किसी भी तरह का फिल्टर मीडिया ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आने वाला स्पंज यूज़ किया है और पॉलिएस्टर फिलिंग यूज़ किया है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक कॉटन। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से पानी इजीली फ़्लो हो सके, तो उसी तरह का फ़िल्टर मीडिया ऐड करें। उसके बाद आपने इस बॉटल को नीचे से कट कर लेना है, यहाँ से। उसके बाद आपको पीवीसी पाइप पे प्लम्बिंग टेप की एक छोटी सी लेयर लगा लेनी है, ताकि ये बॉटल में इस तरह से फिट बैठ सके, इस तरह से। और ऊपर के पार्ट में इस तरह से ये पावर हेड फिट हो सके, इसीलिए आपको प्लम्बिंग टेप लगाना है। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इतना आसान था इसे असेंबल करना। ये है हमारा सकिंग सिलेंडर और ये है फ़िल्टर। यहाँ पे सैंड में छुपी हुई सभी गंदे की ट्रैप होगी। तो चलिए अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वाटर चेंजेस का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे वाटर चेंजेस से रिलेट ना करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि वाटर चेंजेस अलग और साइफनिंग अलग होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 से 4 बार साइफन करने के बाद इसने कितनी गंदगी खींच ली है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। आई होप आपको ये DIY प्रोजेक्ट पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझा भी होगा किस तरह से आपको बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप इसे वाटर चेंजेस से रिलेट ना करें, इसे सब्स्टिट्यूट ना बनाएं वाटर चेंजेस का, तो अच्छा होगा। ये वाटर चेंजेस का सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि ऐसे एक्वेरियम और पेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर फ्राइडे मिलती रहे। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।